फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के कुछ बेहतरीन फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ क्यों होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म कम होता है तो उस व्यक्ति का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसका मोटापा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो उसका शरीर एकदम सही रहता है, हेल्दी रहता है और वेट भी मेंटेन रहता है। इसलिए हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ होना चाहिए। और आप बात करते हैं मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के फूड्स के बारे में। भीगे हुए अखरोट का सेवन, भीगे हुए अखरोट का सेवन करके भी आप लोग अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं और अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लोग हर रोज़ सुबह के समय दो भीगे हुए अखरोट का भी सेवन कर लेते हैं तो ये आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा और आपका मेटाबॉलिज्म इतनी अच्छी तरह से इंक्रीज होगा जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो आज से ही आप लोग भीगे हुए अखरोट खाना शुरू कर दें। हरी सब्जियों का सेवन, हरी सब्जियों में आप लोग पालक, ब्रोकली और भी कई तरह की सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन और मिनरल्स तथा आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन मेंटेन रहता है और ज़्यादा नहीं बढ़ता है और आप लोग हमेशा फिट रहते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो हरी सब्जियों के खाने से खत्म हो जाती हैं। दही और छाछ का सेवन, आप लोग जब भी खाना खाएं तो आप लोग अपने खाने के साथ दही और छाछ का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि इसके सेवन से आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज रहता है, भूख खुलती है और हाजमा जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का वेट हमेशा कंट्रोल में रहता है। तो आप लोग अपने आप से ये वादा ज़रूर कर लें कि आप लोग जब भी खाना खाएं तो साथ में दही या छाछ ज़रूर रखें। विटामिन डी का सेवन, आप लोग अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए विटामिन डी वाले पोषक तत्व और खाद्य पदार्थों का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी टू पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म तो बढ़ता ही है, साथ में आपकी कमज़ोर हड्डियों में भी जान आ जाती है, जोड़ों में दर्द की समस्या खत्म होती है और भी कई तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो आप लोग उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें जिनमें विटामिन डी वाले तत्व पाए जाते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और आप लोग हमेशा हेल्दी रहेंगे, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए कौन कौन से योगा आसन आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें और हमें ज़रूर सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी हम नई वीडियो निकालें वो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।